वराह पुराण विषयनी व्यतिपातनी उत्पत्तिनी तथा व्रतनी कथा। युधिष्ठिर श्री कृष्ण नो संवाद। युधिष्ठिर कहूं, हे देव श्री कृष्ण, आपना मुखे थी मैं सगड़ा व्रतों सांभळ्या छे, तो हवे व्यतिपातनु व्रत पण तेना उद्यापन तथा फल सहित आप कहो। श्री कृष्ण बोल्या, पूर्वे व्यास जी वंशनी वृद्धि माटेनु जे व्रत सुखदेव जी ने कहूं हतू, तेज हे उत्तम राजा हूँ तमने कहूँ छू। सुखदेव जीए पूछू, हे महामुनि, व्यतिपात योग ने पूज्य केम कहो छे? हे तात, तेनु पूजन करवाथी कयु फल मळे छे अने तेनी विधि कई छे ते मने कहो। व्यास बोल्या, आज प्रश्न पृथ्वी देवीए पूर्वे जगतना गुरु वराह भगवान ने पूछ्यो हतो, त्यारे प्रभुए व्यतिपातनो संपूर्ण व्रत सारी रीते कही बताव्यु हतो। एज व्रत बीजा लोकोना हित माटे हूँ कहूँ छू। श्री वराह बोल्या, जे वखते चंद्रमाए बृहस्पतिनी पत्नी तारा ने ग्रहण करी ते वेला सूर्यदेवे मित्रता ने लीधे चंद्रमा ने कहूँ के बृहस्पतिनी स्त्री ने तू छोड़ी दे। त्यारे चंद्रे अत्यंत क्रोधायमान थई सूर्य सामे क्रूर दृष्टि थी जोया करूं, इटले सूर्य पण रोष करी क्रोध थी चंद्र सामे जोवा माड्यो। ते वखते क्रोधायमान थई ते बन्ने नो दृष्टिपात थता एक भयंकर पुरुष उत्पन्न थयो। ते फाड़ेला मोढ़ा वाड़ो, पिंगनी आँखों वाड़ो, लांबा दांत वाड़ो, पातला पेट वाड़ो, लांबी जीभ वाड़ो, सूर्य अग्नि तथा यमराज जेवो आठ आँख वाड़ो, चार मोढ़ा वाड़ो अने अमर भुजाओ वाड़ो ते त्रणे लोक ने खाई जवा तैयार थयो। त्यारे सूर्य अने चंद्रे तेने रोक्यो। पछी तेने सूर्य चंद्र ने पूछू, हूँ भूख्यो छू तो कोने खाऊं? त्रणे लोक ने खाई जवा हूँ इच्छतो हतो, त्यां तमे बन्ने मने रोक्यो। क्रोध अने भूख मने पीड़े छे, तो हवे ते बन्ने ने मारे क्या नाखवा? सूर्यचंद्र बोल्या, अमारा बेयनी क्रोध दृष्टि अनेक प्रकारे घणी पड़वाथी तू जन्म्यो छे, माटे पृथ्वी पर तू व्यतिपात नामे प्रख्यात थईश अने सर्वयोगोनो सदा स्वामी रहीश, अतिशय पवित्र गणाईश। हे समर्थ व्यतिपात, तू जे दिवसे प्राप्त थाय ते दिवसे पोतानु कल्याण इच्छनारा लोकोने कंई पण दान करवु जोईए, जेथी तेओ जे कंई दानमां आपे तेने तू भूख्यो होई खाजे अने जेओ कंई न आपे तेओ पर तारो कोप पाड़जे। पृथ्वी देवीए पूछ्यू, हे जगतना गुरु, ए व्यतिपातनी विधि कहो। व्यतिपातना पवित्र दिवसे मोटी नदीना जळमां उत्तम पंचगन्य इतले के गायनो दूध, दही, घी, छाश तथा मूत्र थी स्नान करवो, उपवास करवो, पवमान मंत्र जपवो अने हे व्यतिपात तमने नमस्कार हो। साकर थी भरेला लोढ़ा सिवायना हर कोई धातुना घड़ा पर तांबानु पात्र ढांकी ते पात्र में सोनानु कमल मूकवो अने ते कमल पर अढ़ार भुजाओ वाला सोनाना पुरुष एटले कि व्यतिपातनु स्थापन करवू, ते पछी चंदन चोखा दीवो तथा वस्त्र अर्पण करी जात जातना भक्ष भोजन तथा फळो नैवेद्यमा धरवा, एम माक्षर महीनामा व्यतिपातनु पूजन करवू, महीने महीने करी तेर व्यतिपात करवा, पछी चौदमो व्यतिपात आवे त्यारे ढाया माणसे ए व्रतनु उद्यापन करवू, तेमा छीरवाळा वृक्षोनी सौ समीधोनो तथा घी दूध अने तलनो सौ सौ वार व्यतिपाताय स्वाहा ए मंत्रनो उच्चार पूर्वक होम करवो। अमासना दिवसे करेलु दान दस गणु, क्षय तिथिये संक्रांति काले चंद्र ग्रहण वखते सूर्य ग्रहण समय वगैरे समय आपेलु दान सौ गणु अने एना करता पण सौ गणु एम उत्तरोत्तर वधारे गणाय छे। व्यतिपातनो जन्म अथवा उत्पत्ति काल 22 घड़ी, भ्रमण काल 21 घड़ी नो, पतन काल 10 घड़ी नो तथा स्थिति काल 7 घड़ी नो गणाय छे। जे मानस व्यतिपातना व्रतनी आ कथा लखे छे, सांभळे छे अथवा लखावे छे, संभळावे छे, कहेवडावे छे ते पण सूर्यचंद्रना स्वर्गमां लांबा काल सुधी देवोथी पूजातो त्यां रहे छे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला।
मंगलम वरुण ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनुहरिः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुण ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः Oh,
मंगलं वरुणध्वजः।